तो आप में से कई लोग पूछ रहे थे कि सर ये जो फोटो यहाँ पर आ रही है वो यहाँ पर टेंटेटिव एडमिशन शेड्यूल जो हमारा आ गया है, एंट्रेंस का जो टेंटेटिव शेड्यूल आ गया है, कितना सही है और वो कितना गलत है। तो आज इस वीडियो में हम उसी की बात करेंगे और आप सभी को बताएंगे कि इस फेक न्यूज़ ने यूनिवर्सिटी को इतना मजबूर कर दिया है कि यूनिवर्सिटी ने कल रात को एक प्रेस रिलीज निकाली। यहाँ पर वो रात को बहुत लेट आई, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए कल वीडियो नहीं बना पाया, इसीलिए आज वीडियो बना रहा हूँ कि हम शुरू से ही आप लोगों को कहते आ रहे हैं। यहाँ पर असमंजस का माहौल है, आप किसी पर भी भरोसा मत करें। मैं तो कहूंगा कि आप हम पर भी भरोसा मत ना करें अगर हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में बात नहीं करते। कि आप किसी भी एक ट्रस्टेड सोर्स के ऊपर भरोसा कीजिए, ऑथेंटिकेटेड सोर्स के ऊपर भरोसा कीजिए, अनऑथेंटिक सोर्सेज के ऊपर भरोसा मत कीजिए। यहाँ तक कि कई यूट्यूब चैनल्स भी ऐसे हैं जो अपने आप को बहुत ज्यादा ट्रस्टेड मानते हैं, लेकिन उन्होंने भी इस फेक न्यूज को प्रमोट करने की पूरी कोशिश की और टेंटेटिव शेड्यूल को ही आपका असली शेड्यूल बताकर यहाँ पर चीजें आपको बताई गई और आपको बरगलाया गया, मैं ये कहूंगा। तो आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऑथेंटिक सोर्सेज को इस्तेमाल कीजिए और मैं आपको हमेशा से कहता आ रहा हूँ कि अगर हम भी कोई आपको बात बताते हैं तो आप उसे भी एक बार रीवेरीफाई जरूर किया कीजिए। ये आदत बहुत अच्छी आदत है। अब आपने देखा होगा कि लोग कह रहे थे सर आज तक पर भी आ गया है, कई बड़ी बड़ी वेबसाइट्स पर भी ये आ गया था, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रेस रिलीज कहती है कि दिस इज इन कंटिन्यूएशन टू द अर्लियर प्रेस रिलीज ऑफ 3 अप्रैल 2020। उस नोटिफिकेशन के भी ऊपर हमने वीडियो बनाई थी और उसके बाद से हम इस बात परेशान थे कि आपका एडमिशन शेड्यूल क्या होगा विद रिगार्ड टू द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ एडमिशन फॉर एकेडमिक सेशन ऑफ 2021 इन यूजी, पीजी, एमफिल एंड पीएचडी कोर्सेज ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। अब ये आपके जितने भी एंट्रेंस एग्जाम है सभी को कवर करती हुई न्यूज़ है और यहाँ पर आपको क्लियरली ये बताया गया है कि ऑल एस्पिरेंट्स आर हेयर बाय इन्फॉर्म्ड दैट द डिटेल्स ऑफ एडमिशन प्रोसेस एंड द शेड्यूल विल बी पुट अप ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। द एप्लीकेंट्स आर एडवाइज नॉट टू यूज और कंसिडर एनी अनऑथेंटिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। यानी यहाँ पर बात की गई है उन सभी जगहों की जहाँ से आप अनऑथेंटिक सोर्सेज पर खबरें आ रही थी। तो ये प्रेस रिलीज साफ साफ ये कहती है, चीख चीख कर कहती है कि आप ऑथेंटिक सोर्सेज पर यहाँ पर भरोसा कीजिए और किसी पर मत कीजिए। तो जो आपका टेंटेटिव शेड्यूल है वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर नहीं आया है तो उस पर हम भरोसा नहीं कर सकते हैं। जहाँ पर ये लिखा गया था कि 8 जून से आपके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गए हैं, हो जाएंगे या फिर, और यहाँ पर आपके लिए फर्स्ट कट ऑफ, सेकंड कट ऑफ, थर्ड कट ऑफ, इन सभी लिस्टों के बारे में बता दिया गया था व्यवस्थित रूप से। तो उसके बारे में हम ज्यादा कुछ नहीं कह पाएंगे कि वो कितनी सही है और कितनी गलत है। इस नोटिफिकेशन और प्रेस रिलीज को आप दोनों को साथ में देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको कितना सही बताया जा रहा था या कितना गलत बताया जा रहा था। तो हम आपको सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि फेक न्यूज को स्प्रेड करने से रोकिए और जो ओरिजिनल न्यूज आ रही है, जैसे हमारी वीडियो में हमने आपको प्रेस रिलीज के साथ ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट के साथ चीजें बताई है, ऐसी चीजों को शेयर और स्प्रेड कीजिए। तो अगर आपको लगा हो कि हमने आपकी किसी भी तरह से हेल्प की हो इस वीडियो को बनाकर, तो आप एक लाइक जरूर कर सकते हैं और हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए, और शेयर जरूर कर दीजिएगा उन लोगों तक ताकि ये भ्रम खत्म हो और आगे भी लोग ऐसी वीडियोस ना बनाएं जिससे भ्रम पैदा हो। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, टाइम ज्यादा खराब करते हैं नहीं। भारत माता की जय। जय हिंद।